सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मित्र सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में एक महामारी का प्रकोप हो रहा है और उस महामारी का नाम है कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को हिला करके रख दिया है। संसार के सभी लोग इस कोरोना वायरस से पीड़ित हो रहे हैं, तो हम इस कोरोना वायरस को जो है समाप्त करें और सभी मिलकर के इससे लड़ें, सभी मिलकर के एक हो जाएं। कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई समुदाय नहीं, कोई देश नहीं, कोई राष्ट्र नहीं, कोई जाति नहीं या किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव इसमें हम न रखें। केवल और केवल हम सब मानव मात्र के कल्याण के लिए इस कोरोना वायरस से लड़ें और इसको लड़ने के लिए हमें कोई युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वरन सबसे पहले हमको ध्यान रखना होगा कि हम अपने घर में रहें, एकांत का सेवन करें और स्वच्छता का पालन करें, नियमित रूप से हाथ धोएं, क्योंकि स्वच्छता और पवित्रता जहां पर होती है वहां पर ईश्वर का वास होता है और जहां पर गंदगी और दरिद्रता होती है वहां पर दैत्य शक्तियां निवास करने लग जाती है। इसलिए आपको सबसे पहली आवश्यकता है घर में रहने की, शुद्धता रखने की, पवित्रता रखने की, अस्पृश्यता यानी एक दूसरे से छुआछूत यानी एक दूसरे से दूरी बना करके हमको रखना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों ने पहले ही बताया गया है कि हमें अस्पृश्यता यानी एक दूसरे के स्पर्श से जो है दूर रहना चाहिए और किसी भी प्रकार से इस महामारी को फैलने नहीं देना चाहिए। तो यह महामारी कब होगी और इसका अंत कब आएगा, इसका समापन कब होगा, आखिर सभी लोग इस प्रश्न को लेकर के बड़े ही परेशान हैं। आज सबके मन में यही प्रश्न चल रहा है कि इस विश्वव्यापी महामारी का अंत कब आने वाला है। वर्तमान में पूरे विश्व को भयभीत करने वाली कोरोना महामारी की भविष्यवाणी आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व नारद पुराण में कर दी गई थी। उसमें यह बताया गया था कि यह महामारी किस प्रकार फैलेगी। श्लोक भी लिखा हुआ है, भूपाव हो महारोगो मध्यस्यार्ध वृष्टय दुखिनो जत्वम सर्वे वत्सरे परिधाविनी। अर्थात परिधावी नामक संवत्सर में राजाओं में परस्पर युद्ध होगा और एक भयंकर महामारी फैलेगी। बारिश असामान्य होगी व सभी प्राणी दुखी होंगे। इस महामारी का प्रारंभ 2019 के अंत में आने वाले ग्रहण से प्रारंभ हो जाएगा। बृहत संहिता में वर्णन किया गया है कि शनिश्चर भूमिप्तो स्कंद रोगे प्रपीते जनहा। इसका अर्थ यह है कि जिस वर्ष के राजा शनि होते हैं उस वर्ष में भयंकर महामारी विश्व में फैलती है। विशिष्ट संहिता में वर्णन है कि जिस दिन इस रोग का प्रारंभ होगा उस दिन पूर्वा भाद्रपद नामक नक्षत्र होगा। और यह सत्य है कि जिस दिन इस महामारी का प्रारंभ हुआ था उस दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र था, उसी दिन से इस महामारी का प्रारंभ हुआ और यह महामारी धीरे धीरे पूरे विश्व में अपना पांव जमाने लगी है। इस महामारी का जो प्रभाव है वह प्रारंभ से लगभग 3 से 7 महीने तक रहेगा, परंतु जैसे ही हमारा नव संवत्सर प्रारंभ होगा जो कि 25 मार्च 2020 से नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है और इस नव संवत्सर का नाम है प्रमादी और इस नव संवत्सर के जो राजा है वो बुध ग्रह है, तो शनि का राज्य समाप्त हो जाएगा और बुध का राज्य प्रारंभ हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि बुध मतलब सौम्य ग्रह, बुध मतलब स्वस्थ ग्रह, बुध मतलब युवा ग्रह, बुध मतलब नवग्रहों के राजकुमार। तो बुध का राज्य इस वर्ष रहने वाला है। इस विक्रम संवत 2077 के जो राजा है उनका जो नाम है वो बुध होगा और प्रमादी नामक संवत्सर होगा। और जैसे ही यह संवत्सर प्रारंभ हो जाएगा उसके
लगभग 15 से 20 दिन के भीतर भीतर इस महामारी का पूर्ण रूप से स्वर्णनाश होना प्रारंभ हो जाएगा, यानी इसके अंत की शुरुआत हो जाएगी। तो लगभग लगभग मान के चलिएगा कि आप जैसे 13 अप्रैल से सूर्य देव अपनी मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि में सूर्य देव उच्च के होते हैं और मेष राशि में जो उच्च के होंगे तो वो लगभग एक माह रहेंगे, यानी 13 मई तक सूर्य देव उच्च राशि में रहेंगे। इस दौरान इसका पूर्ण रूप से अंत हो ही जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, इस महामारी के अंत का समय आ चुका है, ज़्यादा समय यह टिकने वाली नहीं है। 25 मार्च से इसके अंत की शुरुआत मानी जाएगी, जो लगभग 13 मई तक यह महामारी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल और केवल आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। सतर्क रहना है, स्वच्छ रहना है, पवित्र रहना है, एकांत का वास करना है और अपने आराध्य से, अपने इष्ट देव से या माँ दुर्गा से, भगवान शंकर जी से या अपने जो भी देवता, आप जिस भी देवता को मानते हैं उनसे प्रार्थना करिए कि इस महामारी का आप जल्दी से अंत कर दीजिए और पूरा राष्ट्र, पूरा देश, पूरा विश्व स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट किसी को न हो। तो इस प्रकार आप निश्चिंत रहिएगा, यह महामारी जल्द ही समाप्त होने वाली है, इसका अंत अब निकट आ चुका है। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।